नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश ठाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रुपए मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे कैसे सीड की। रुपए जी, आज देख रहे हैं कैसे सीड का दिसंबर वायदा 6500 से नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, 6448 पर कारोबार करता नजर आ रहा है। रूप जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इस बार कैसर के अच्छे दाम मिले हैं, वही बुआई के थोड़े आंकड़े कम हैं, लेकिन अब ये भी खबरें निकल के सामने आ रही कि गुजरात में इसकी जो सोइंग एरिया है अच्छे दाम के चलते थोड़ा बढ़ता नजर आ सकता है। रूप जी, ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कैसर की कीमतों में, ये कब तक आगे जारी रह सकता है? देखिए, फिलहाल जो है कैस्टर्ड जो है अभी जो कैस्टर्ड के अंदर बाइंग आती हुई दिखाई दे रही थी, एक्सपोर्ट पिकअप हुए थे, वो कहीं ना कहीं स्लो होते दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से जो बाउंस बैक आना चाहिए था वो एक बार स्टेबल हो गया है। और अभी जो है प्राइसेस जो है कैस्टर्ड सीड के अंदर 6400 से लेकर 6600 की रेंज में एक बार देखने को मिल सकते हैं, और ये प्राइसेस जो है अभी इसी रेंज के बीच में फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी जब तक 6600 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक इसमें तेजी नहीं है, और 6400 के नीचे लुढ़कता है तो 6200 तक नीचे जा सकता है। जी रूपा जी, कैसे के साथ साथ देख रहे हैं बिनौला खल की कीमतों में भी आज एक हल्की करेक्शन दर्ज की जा रही है, आपको क्या लगता है क्या इंट्राडे में बिनौला खल 2500 के ऊपर निकल पाएगा एक बार फिर से? देखिए, जहां तक बिनौला खल की बात है तो बिल्कुल 2500 के ऊपर निकल सकता है। देखिए, ये भी एक कमोडिटी रेंज में फंस कर रह गई है, 2400 से 2500-2530 तक ही अभी जा पा रही है ऊपर में, और नीचे में 2420-30 तक है, तो 100 रुपए में कारोबार करती हुई दायरे में एक कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिनौला खल के अंदर आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ प्राइजेस के अंदर बाउंस बैक आ सकता है। आप अगले महीनों के वायदा की अगर बात करें जनवरी फरवरी, तो वो मुझे लगता है कि 2800 से 3000 तक ऊपर में जा सकते हैं। जैसे रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं धनिया काफी शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, वहीं जीरे में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, और बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी में भी एक बार फिर से अच्छे लेवल्स देखने को मिले, 7500 के ऊपर हल्दी ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि आज लगातार दूसरा दिन है जब मसालों में एक अच्छी तेजी बन रही है और मसाले की जो लेवल्स हैं वो सस्टेन होकर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह मसालों में ऐसी तेजी भरा रहेगा? देखिए, मसालों में अभी फिलहाल जो है थोड़ा बहुत बाउंस बैक बना रह सकता है। अब हल्दी की बात करें तो हल्दी देखिए जो अगला महीने का वायदा है अप्रैल का, वो काफी अच्छा तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, 8000 के ऊपर निकल चुका है, और दिसंबर वायदा भी 7800 तक एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जा सकता है। वहीं हल्दी के साथ साथ जीरे ने भी अच्छा बुल रन दिखाया है, अब 16000 के ऊपर सस्टेन देखिए आज गिरावट दिखा रहा है 1% की, कल अच्छी तेजी आई थी, लेकिन 16000 के नीचे की अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर से ये कमोडिटी दबाव में जा सकती है। तो फिलहाल के लिए 15800 से लेकर 16200 इसकी रेंज जीरे के अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में हम पहले भी बोलकर चल रहे थे कि 8500 तक के ऊपर के स्तर आ सकते हैं, और 8500 के बाद अब सस्टेनेबिलिटी आना इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो 8800 से 9000 का स्तर भी छू सकता है, लेकिन फिलहाल मुश्किल लग रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन बन सकता है यहाँ से 8200 तक दिसंबर वायदा लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हाँ जनवरी वायदा 8800 से 9000 तक ऊपर जा सकता है। आज इंट्राडे में दबाव है, 100 से 150 रुपए का करेक्शन आज धनिया के अंदर देखने को मिल सकता है, जबकि जीरा भी आज दबाव दिखाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन हल्दी पॉजिटिव लग रही है, यहाँ से हल्दी में बाउंस बैक कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। जी ये से रूपा जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं आज ग्वार और ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों ही सुस्ती के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं, अपने ऊपरी स्तर से कहीं ना कहीं फिसलते नजर आए हैं। रूपा जी, हमने NCDX को ग्वार पर फैसला लेते हुए देखा है, एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आया, और जनवरी से अब तक ग्वारगम ने 105% से ऊपरी का मुनाफा भी दे दिया है, तो रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है ग्वार गम में और ग्वार सीड में क्या एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से NCDX पर एडिशनल मार्जिन लगा दिया गया है उसका ही असर है कि ग्वार लगातार 2-3 दिन से लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है, और जबरदस्त गिरावट आ चुकी है, 13000 के ऊपर से आप देखिए 11000 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पर गिरावट मुझे नहीं लगता कि थमेगी रुकेगी, गिरावट जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ से वापस से बाउंस बैक आएगा
क्योंकि अभी देखा जाए तो ट्रेडर्स काफी एक्टिव हैं बाइंग के लिए, लेकिन जो ये एडिशनल मार्जिन लगाया गया इसके चलते वायदा में गिरावट जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये गिरावट जो है 11,000 या 10,800 तक आकर रुकती हुई नजर आ सकती है। तो दिसंबर वायदा ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से लुढ़कता है तो आप मान के चलिए कि 10,800 तक की गिरावट हो सकता है दिखा दे, जैसे हमने कल इसमें गिरावट आते हुए देखिए, हो सकता है एक दो ट्रेडिंग सेशन में दबाव बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से बाउंस बैक आएगा ग्वार के अंदर और वापस से 13,000 के स्तर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सीड में भी वापस से 6,800 से 7,000 का स्तर संभव है। तो जो भी डिप आती है उस डिप के अंदर बाइंग करना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में इंट्राडे में आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन गिरावट के अंदर बाइंग करें तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तेजी इसमें बनी रहेगी नो डाउट, इसमें बहुत ज्यादा फिलहाल सस्टेनेबिलिटी नहीं है गिरावट की, तो मुझे लगता है कि गिरावट के अंदर इसमें खरीदारी की तरफ जाना चाहिए। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने कल के दोपहर की कार्रवाई साथ में 4% की ऊपरी सर्किट लगते देखे, वहीं फिर शाम क्लोजिंग होते होते सोयाबीन की कीमतों में 6% की ऊपरी सर्किट भी लगते नजर आए थे और जो कीमतें थी वो 5,800 तक जाती नजर आई थी। अब की बात करें तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा 5,916 पर कारोबार कर रहा है, 6,055 का ही लगा चुका है 0.5% की तेजी के साथ। रूपा जी जिस हिसाब से सोयाबीन में एकदम से उछाल देखने को मिला है, आपसे जानना चाहेंगे कि सोयाबीन में जो अचानक से तेजी आई है इसके पीछे के कारण क्या क्या है, छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, और क्या इसमें इस समय निवेश करके चलना सही रहेगा? देखिए जहां तक एडिबल ऑयल पैक के अंदर सोयाबीन की बात है अखिलेश, कल हमने सोयाबीन में एक जबरदस्त तेजी 6% की तेजी आते हुए देखी जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी एक दिन में, और ऐसा भी कुछ कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं हुआ है मार्केट में जिसके चलते इतना बड़ा उछाल जो है वो आता हुआ दिखाई दे। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत कल जरूर बाउंस बैक आते हुए देखा है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी तेजी बनी है, और ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है कि प्रोडक्शन कम है और ब्राजील के अंदर भी प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा वापस से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से डिमांड फैक्टर जो है वो हावी होता हुआ इन स्तरों पर दिखाई दे रहा है। और जो लोगों ने 11,000 तक के स्तर देखे सोयाबीन के अंदर, उन्होंने वापस से निचले स्तरों पर यूज बाइंग जो है वो मार्केट के अंदर की है जिसकी वजह से वापस से प्राइसेस के अंदर बाउंस बैक आया है। जिनकी 11,000 की बाइंग है उन्होंने अभी भी पोजिशन होल्ड की हुई है और इन लेवल्स के ऊपर फार्मर्स के पास जो सोयाबीन रखे हैं वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि एक बार फिर से प्रभाव जो है 10-11,000 तक जाएगा। तो अभी जो देखिए टेक्निकल सिनेरियो बन रहा है या फंडामेंटल जो रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं उसके मद्देनजर हमें लगता है कि एक बार सोयाबीन 6,200 तक ऊपर में जा सकता है। जो ये तेजी बनी है ये 6,200 तक इंटैक्ट हो सकती है और नीचे की अगर बात करें तो 5,500-5,400 के आसपास जो है नीचे लुढ़क सकता है। तो ये लेवल्स हैं जिसकी जिसके चलते इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर फिलहाल के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो यानी कि सोयाबीन के जो किसान उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सोयाबीन में तेजी बनती नजर आएगी, तो अब वो उनकी मेहनत जो है होल्ड करने की वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। दूसरा इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अब जो सोयाबीन की जो डिमांड है और जो कीमतें तेज होती हुई नजर आई है उसका एक असर भारतीय सोयाबीन के बाजार पर भी पड़ता नजर आया है और उसकी का रिफ्लेक्शन हम वह फ्यूचर मार्केट में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं 6,000 के पार जाती नजर आई है और साल के अंत या 2022 के शुरुआत में जो कीमतें हैं वो 6,200 तक भी जाती हुई नजर आ सकती हैं। अभी ऐसे जो बाजार के जानकार हैं हाजिर बाजार में भी अभी ऐसी बात निकल के सामने आ रही है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने देखा है कि और खबर भी निकल के सामने आ रही है कि जो कॉटन जो चाइना है वो अपने कॉटन की बिकवाली कर रहा है मार्केट्स के अंदर। रूपा जी जिस हिसाब से इंडियन कॉटन की विदेशों में मांग निकल रही है और डोमेस्टिक लेवल्स पर भी मांग है, दूसरा प्रोडक्शन कम है क्योंकि इस बार हमने देखा है कि कीट और रोगों के कारण कॉटन की जो फसल है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर ख़राब हुई है और रही सही कसर बेमौसम बरसात ने पूरी कर दी थी, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि चाइना बिकवाली कर रहा है, चाइना में भी कॉटन का जो प्रोडक्शन रहता है और जो यूज रहता है वो भी बड़े पैमाने पर रहता है, इन दोनों ही फंडामेंटल्स का असर भारतीय कॉटन के बाजार पर कितना देखने को मिल पाएगा और साल के अंत तक कॉटन में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश कॉटन के अंदर जो फंडामेंटल है वो तो काफी सपोर्टिव है घरेलू बाजारों में भी और जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं
तो सारे फैक्टर्स तो काफी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट में तेजी भी आते हुए देख रहे हैं। लेकिन चाइना की तरफ से जो सेलिंग की जा रही है उसका एक इम्पैक्ट भी देखा हमने, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है थोड़े से स्लिप होते हुए भी नजर आए, लेकिन वापस से यहाँ से रिकवरी बनी है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बल्कि पॉजिटिव ही है सेंटिमेंट। टेक्निकली चार्ट भी काफी पॉजिटिव शो हो रहे हैं और अपने लाइफ टाइम हाई पर मार्केट खड़ा है। और फिजिकल मार्केट में भी अभी देखा जाए 8700 से लेकर 8800 के आसपास कॉटन जो है वो बिकती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार वापस से 10,000 तक का स्तर जो है हमने मार्केट में जो आते हुए देखा था, इक्का दुक्का कुछ एक माल बिका था, तो अब वो सस्टेनेबल हो सकता है, वो लेवल्स अचीवेबल है। तो 10,000 तक मतलब करंट लेवल से 1,000-1,500 की तेजी कपास में फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास माल है वो थोड़ा सा वेट करें, 1,000 से 1,500 की अगर तेजी आती है तो वहां पर लिक्विडेट करने की कोशिश करें। अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापिस से नई तेजी बनेगी, अदरवाइज वहां से स्लिप हो सकता है। लेकिन एक बार इतनी लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड है, 1,000 से 1,500 की तेजी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कृषि फसलों में कौन सी फसलें होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है इस पूरे कारोबारी सप्ताह। देखिए अभी तो फिलहाल सोयाबीन हॉट कमोडिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो 6,000 से 6,200 के स्तर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन में बाइंग करके चला जा सकता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कपास में भी अच्छी तेजी है, कपास के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। तो अभी फिलहाल ये दो कमोडिटीज हैं जिनके अंदर बाइंग करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।